देशभक्ति जनसेवा का शानदार स्लोगन का मान रखते हुए जब पुलिस ईमानदारी के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करती है तो लोगों को उस पर गर्व होता है और हर तरफ खाकी की वाहवाही की जाती है। ऐसा हो भी क्यों ना, आम जनता की सुरक्षा और राष्ट्र सेवा के लिए अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते वक्त जो शहादत को प्राप्त हो जाए, इसलिए उनकी याद में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। बीते कल सोमवार को वही तारीख थी। कास मऊगंज जिले की पुलिस भी दुनिया को अलविदा कह जाने वाले कर्मठ अधिकारियों से कुछ सीखती तो शायद आज मऊगंज के व्यापारियों को पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली न निकालनी पड़ती। सोमवार को जिले और उसके पड़ोसी जिलों के व्यापारी मऊगंज पहुंचे हुए पुलिस का सम्मान करने नहीं आए थे, बल्कि प्रतिष्ठित व्यापारी सीताराम गुप्ता के पुत्र सोम गुप्ता के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग करने आए थे। आपको बता दें कि 19 नवंबर की रात 8 बजे सोम गुप्ता भाटी मोड़ से घर जा रहा था, तभी पीजी हॉस्टल के सामने समीर मिश्रा, नयन सिंह, अजय सोनी, रिंकू खान, उज्जवल मिश्रा और क्रिश चौरसिया ने गोलबंद होकर उस पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसे मऊगंज से रीवा और वहां से नागपुर रेफर किया गया, तब उसकी जान बची। अब पुलिस का खेल देखिए, उसने हत्या के प्रयास की धारा निगल ली जब व्यापारियों ने उस अगले दिन थाना घेरा और विधायक प्रदीप पटेल भी थाने में कुंडली मारकर बैठ गए, तब पुलिस को धारा 109 लगानी पड़ी। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया लेकिन थाने में ससम्मान विदा भी कर दिया गया थाने से। फिर 151 की कार्रवाई की लेकिन SDM कार्यालय के बाबू ने जमानत दे दी। बवाल मचा तो SDM ने कह दिया कि हमने जमानत नहीं दी, जिसकी खबर विराट 24 ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी। इतना सब होने के बाद एक माह बाद भी जब सोम गुप्ता के हमलावर खुली हवा में सांस लेते घूम रहे हैं तब भला व्यापारी कितना सब्र करें। सब्र का बांध आखिर आज टूट ही गया और जिले के व्यापारियों ने सुबह से दुकान के शटर नहीं उठाए, पुलिस के खिलाफ गोलबंद होकर रैली निकाली, सभा कर पुलिस को कोसा भी, फिर ज्ञापन देने थाने पहुंचे तो वहां पर SDOP अंकिता शुल्या से विवाद भी हो गया, जिसके बाद SDOP वहां से चली गई। मनिगमा से आए व्यापारी रामेश्वर प्रसाद मोदकवाल ने कपड़े उतार दिए और थाने के सामने जमीन पर लेट गए। पुलिस को जब लगा कहीं मामला और भी न बिगड़ जाए तो एडिशनल SP अनुराग पांडे ने समझा बुझा कर ज्ञापन लिया और सभी आरोपियों को सप्ताह में गिरफ्तार करने का आश्वासन दे दिया। सवाल यह है कि क्या जुर्म जाति के शिकार लोगों को जिम्मेदारों से न्याय नहीं मिलने पर संविधान से प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लिए आगे आने वाले समाज सेवी संगठन को धरने, आंदोलन और आमरण अनशन के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, और वहीं दूसरी ओर गंभीर अपराध में शामिल आरोपियों को वह पकड़ेगी भी या नहीं। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने आमरण अनशन किया तो 1.5 साल पुराने हत्याकांड का खुलासा हो गया। आज व्यापारियों ने आंदोलन किया तो 1 सप्ताह की मोहलत दी गई। क्या पुलिस को ये नहीं लगता यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण माहौल से चलता रहे और लोग प्रशासन पर विश्वास रखते हुए अपना कार्य करें ताकि धरना प्रदर्शन की नौबत ही न आए। अब पुलिस को भी बराव में पुलिस पर हुए जानलेवा हमले के लिए फरार हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए कुछ ऐसे ही कदम उठाना चाहिए। हो सकता है वह अपने हमलावरों की गिरफ्तारी भी करवा ले क्योंकि पुलिस पर हमला हुए 1.5 माह से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। ध्यान देना है सर, इसी सर आपका, लेकिन पूरा भरोसा नहीं है एक भी आपके पास, कोई गोल मोल बात आप कर लेते ही बात ऐसा नहीं है सर। सर 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 आप डीलिंग कर रहे हैं, मैं मास्टर इस बात को, कोई गोल मोल बात नहीं, बहुत
ठोस बात कर रहा हूँ, मैं आप ही के साथ हूँ और यकीन करिए एक हफ्ते के अंदर आप मुझसे कहेंगे धन्यवाद आपने कोशिश यही रहे धन्यवाद का देने बिल्कुल नहीं दूसरा देने वाला ना। हम लोग इस उम्र में एसके राव डीजीपी थे, मुद्दों को लेकर हम लोग डीजीपी तक और शिवराज सिंह चौहान आज आप एसपी नहीं आई है ये बात को हम लोग को खल्ला क्योंकि उनके क्षेत्र में हो रहा है तो आना चाहिए। अगर ये बात को नहीं है तो अभी हम लोग इस घटना को एक हफ्ते बाद तरीके से उठाएंगे। अगर इतना बड़ा आंदोलन हुआ क्या निर्णय लिया गया? एसडीओपी मैडम थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी मिलकर ये हम लोग को व्यापारी को भरोसा दिए हैं कि एक हफ्ते के अंदर व्यापारी उनको अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे और जो उसमें अधिकतम सजा होती है उसमें हम गवाह की सहित करेंगे। अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो एक हफ्ते के बाद हाईवे चौक जाएंगे। आप लोगों की मांग थी कि पुलिस अधीक्षक आए यहाँ पर, उस पर नहीं हुआ, आप लोगों को सड़क पर लेटना पड़ा। ये वो तो पुलिस निकम्मी थी जो हम लोग के आंदोलन से डरी हुई थी। एसपी में क्यों नहीं आई? हम लोग तो लीगल दे रहे थे आवेदन, आना चाहिए कि हमारी मांग है और नहीं आई तो ये उत्तर आप उनसे पूछिए एसपी मैडम से कि आप क्यों नहीं आए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो तो ठीक है तो नहीं आए तो देख रही जनता, लेकिन आपने क्या प्रतिक्रिया? हमने बताया उनके सक्षम अधिकारी एडिशनल एसपी एसडीओपी मैडम जो उनके जगह पे एसडीओपी मैडम थी उन्होंने आवेदन दिया और ये विश्वास दिया एडिशनल एसपी ने ये विश्वास दिया कि एक हफ्ते के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे। एसपी मैडम से भी बात हो रही है, एसडीओपी मैडम इसमें विवेचना कर रही है ऐसा एडिशनल एसपी साहब ने अपने शब्दों में बोला। ये हम विश्वास पे भी ले रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो ये तो फिर एक हफ्ते बाद मान लीजिए आप की मांग नहीं पूछे तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम ही तो हमने आपको बताया है, आपने सुन नहीं पाए हैं। अगला कदम है कि यही पूरे व्यापारी संघ मिलकर चक्का जाम हाईवे करेंगे अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि हम लीगल मांग कर रहे हैं। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, PFT, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हेल्पलाइन नंबर 90 74 51 46 14।